A very cheerful morning, kids. Yes, today we are going to revise our EVS subject. Okay, beta? Before that, I am going to tell you one new word, that is G-O-O-D. Good means acha. Okay, good means acha. Okay. एज यू नो वी हैड ऑलरेडी लर्न सीजन. आप लोगों ने सीजन्स के बारे में पढ़े हो ना बेटा. यस, आज हम देखें मिस ने अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स टिक किए हैं, है ना. आपको पिक्चर के साथ में कौन से सीजन्स है वो आपको सीजन्स के स्पेलिंग को आपको पिक्चर के साथ में मैच करनी है. ओके, देखिए सन, सन यानी कौन सा सीजन होता है बताइए. आप लोगों को पता है ना, यस, सन में समर सीजन होता है ना, जहाँ पर गर्मी बहुत होती है और हम लोगों ने क्या खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वो मौसम में, है ना बेटा, दैट इज समर सीजन. ओके, देन जहाँ हमको खूब ठंडी लगती है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, विंटर सीजन, है ना. ओके, तो स्नोमैन को आप किसके साथ में, कौन से सीजन के साथ मैच करोगे, WINTER, विंटर सीजन के साथ में मैच करोगे. ओके, देन फ्लावर्स कब खिलते हैं बताइए, फुल स्प्रिंग सीजन में, है ना, जहाँ पतझड़ का मौसम खत्म होकर नया फूल खिलता है उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग सीजन, है ना. The S-P-R-I-N-G, spring season, उसके साथ में आपको मैच करना है. ओके, देन बारिश का मौसम, है ना, अम्ब्रेला लेकर हम जाते हैं ना, दैट इज रेनी सीजन, है ना बेटा. तो अभी हम इसको मैच करेंगे. देखिए विंटर सीजन के साथ में स्नोमैन को मैच करना है, यस. देन समर सीजन कहाँ है, सन के साथ मैच करना है. ओके, देन रेनी सीजन के साथ में अम्ब्रेला मैच करोगे और स्प्रिंग सीजन के साथ में फ्लावर्स को मैच करोगे, यस बेटा. इसके बाद में और भी है, हमको इसको आपको लिखना है ईवीएस के नोटबुक में. ओके, यस बेटा, मिस आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कैसे आपको फिलिंग ब्लैंक सॉल्व करना है. यस, देखिए मिस यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिख कर रखे हैं और मिस यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी स्टिक करके रखे हैं. यस, आपको पिक्चर को देखकर ऊपर ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको स्पेलिंग देखकर लिखनी है. यस बेटा, तो आप कैसे करोगे, देखिए ये पिक्चर कौन सी है, स्ट्रॉबेरी, है ना. स्ट्रॉबेरी का आपको पिक्चर ढूंढनी, सॉरी आपको स्पेलिंग्स ढूंढनी है. यस, तो एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रॉबेरी, है ना. तो एस से स्टार्ट होता है, आपको सिंपल वे में बता रहे हैं, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रॉबेरी. यस, तो वो सेम स्पेलिंग यू हैव टू राइट हियर, एस टी आर ए डब्ल्यू बी ई आर आर वाई, स्ट्रॉबेरी. यस, फर्स्ट फिलिंग कंप्लीट हुआ, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट. देखिए ये क्या है, ग्लास में जूस रखा हुआ है ना, तो जूस की स्पेलिंग कहाँ है ढूंढिए ऊपर, ये जे फॉर जूस, तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है जे यू आई सी ई, जूस. देन नेक्स्ट क्या है बेटा, कुकुम्बर, है ना, हम सैलेड में यूज करते हैं, कुकुम्बर का स्पेलिंग कहाँ है, ये सी यू सी यू एम बी ई आर, कुकुम्बर. ओके, तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिखनी है सी यू सी यू एम बी ई आर, कुकुम्बर. ओके, देन नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम की स्पेलिंग कहाँ है ढूंढिए ऊपर, कहाँ है, ओके ये है आई सी ई, फिर हम इसको यहाँ लिखेंगे आई सी ई सी आर ई ए एम, आइसक्रीम. ओके, देन ये क्या है, बाउल में जो रखा हुआ है, ये है कर्ड, है कर्ड यानी दही,
तो इसका स्पेलिंग आपको ऊपर ढूंढनी है, कहाँ है ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ये कुकुम्बर, आइसक्रीम, जूस, ये है कर्ड की स्पेलिंग, है ना बेटा? तो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग हियर, ओके। देन लास्ट जो है क्या है, ये सैंडविच, सैंडविच की स्पेलिंग कहाँ है ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, यस हियर इट इज, एस ए एन डी डब्ल्यू आई सी एच, S A N D W I C H, sandwich. This way you have to write the fill in the blanks बेटा. Yes, आपको ऊपर ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पिक्चर को देखकर उसको स्पेलिंग को ढूंढ कर आपको लिखना है. ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर.